ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अच्छे काम में विपक्षी पार्टियां अड़ंगा लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति आज भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उनका भाजपा के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। निरंजन ज्योति ने बांके बिहारी की चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान की भक्ति भाव के साथ दर्शन और पूजा पाठ किया, जहाँ उनका गोस्वामियों के द्वारा बिहारी जी का पटका पहना कर स्वागत किया, प्रसाद भेंट कर उनकी पूजा पाठ सम्पन्न कराई। जिसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जिस साजिश के साथ कुछ लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त है, उन पर रासुका के तहत कार्यवाही हुई, और यह भी कहा कि कोई मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है, लेकिन जबरन साजिश के तहत तो फिर सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ वे राम मंदिर जमीन घोटाले पर कहा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता है कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी एजेंडा है, मगर ये हमारी आस्था का मामला है। मंदिर भव्य बन रहा है और जिन पर कोई मुद्दा नहीं है तो वे अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, वो देखते रह जाएंगे और मंदिर बन जाएगा। वहीं जब उनसे कोरोना को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था, कोविड के लिए हम पीएम और वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी महामारी में भी उसे कंट्रोल करने और जल्दी वैक्सीन लाने का काम किया। उन पर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर चुप्पी साधी। शुभम शर्मा, वृंदावन समाचार 24। देखिए, सरकार सजग है और आपने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी मिली उनके ऊपर रासुका लगाई जा रही है। धर्मांतरण करने की किसी को इजाजत नहीं है, स्वेच्छा से जा रहा वो अलग बात है, लेकिन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण करना अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार हमारी सख्त है। इसके लिए कोई और ये कानून पहले से बना हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार सजग है। आपने देखा कानपुर में अभी पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, जहाँ भी हो रहा होगा जरूर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। देखिए, आज मैं अभी बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ और कोरोना महामारी जैसी हमारे देश में और पूरे विश्व में आई, मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि पुनः ऐसी कोई महामारी ना आए जिससे देश के लोग हताहत हों, जो इस कोरोना में हमको छोड़ करके हमारे अपने परिवारों को छोड़ के चले गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सदगति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस कष्ट को सहन करने के। भी ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है भूमि घोटाले। देखिए, जब अच्छे काम होते हैं तो घोटाले और ये क्या क्या अभी लगाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है। यही लोग हैं, कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी का संघ का एक नारा है चुनाव को लेकर के। हम चुनावी, मैंने पहले भी कहा था कि राम जन्मभूमि चुनावी एजेंडा नहीं है, ये आस्था है। और आपने देखा कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से सहजता से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाधान हुआ है, विपक्षी लोगों को बौखलाहट है आने वाले समय को लेकर के। आप राजनीति करिए, लेकिन जिसकी हर चीज में नुक्स निकालना है, वैक्सीन में है तो सेना की सुरक्षा के लिए कोई औजार खरीदा जाए, तो मैं मानती हूँ कि ये लोग हताश और निराकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई, वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे, वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी